हाय, आई एम गौतम द्विवेदी। आज का हम लोग का इस वीडियो का टॉपिक है ब्रिक, ईंट। ईंट के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि ईंट क्या होता है, इसकी क्या कहते हैं साइज क्या होती है, किस मटेरियल से बना रहता है, जो मिट्टी होती है उसके कौन कौन से घटक हमारे मौजूद रहते हैं, तो इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक ब्रिक। ईंट सामान्य सॉरी ईंट सामान्य माप के घनाकार खंड होते हैं जिन्हें उपयुक्त प्रकार के मृत्तिका को सुघट अवस्था में सांचे में डालकर धूप में सुखाकर तथा आग पर पकाकर बनाया जाता है। तो जो ईंट होता है हमारा क्यूबिकल शेप का घनाकार आकृति का होता है, ठीक, जिसको उपयुक्त प्रकार के मृदा को, मृदा माने मिट्टी से यहाँ मतलब है, मृतिका जहाँ है वहाँ मतलब मृदा माने सॉइल से है, वो सुघट अवस्था माने प्लास्टिक स्टेट में लाकर सांचे में डालते हैं। सांचे में डालते हैं उसको, फिर हम धूप में सुखाते हैं। धूप में सुखाने के बाद उसको हम ले जाके चिमनी में आग में सुखाते हैं, तो जो हमको पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं ईंट। अब यहाँ पे एक टर्म आया है सुघट अवस्था, एक यहाँ पे टर्म आया है सुघट अवस्था, ये सब बताने के। एक यहाँ ये टर्म आया है सुघट अवस्था, इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सुघट अवस्था क्या होती है कि सबसे सही एग्जांपल उसका हम देते हैं आटा का। हमने क्या किया, आटा है, पानी मिला है, आटा को साना। जब हमारा आटा गीला हो जाता है तो हमारी रोटी सही से नहीं बनती है, जब आटा हमारा कड़ा हो जाता है तो भी रोटी हमारी सही से नहीं बनती है। लेकिन एक स्टेज ऐसा रहता है कि आटे में हम इतना पानी मिलाते हैं कि पेस्ट हमारा इतना बढ़िया बनता है कि उससे जो आटे जो हम रोटी बनाते हैं वो बहुत ही बढ़िया बनता है, मतलब ना बेलने में दिक्कत होती है ना उसकी लोइया बनाने में दिक्कत होती है। ठीक, तो वो स्टेज उस आटे का क्या है, प्लास्टिक स्टेट है, सुघट्य अवस्था है, माने उस स्थिति में हम उस आटे को किसी भी आकृति में आसानी से ढाल सकते हैं। सेम यहाँ अब हम एग्जाम्पल हम दिए तो आटे को, वही मिट्टी का है, मिट्टी में हम उतना पानी मिला है कि वो हमारा सुघट्य पेस्ट बने, सुघट्य अवस्था में रहे, माने उसको हम किसी भी आकृति में बहुत आसानी से ढाल दें। मान लीजिए मिट्टी में पानी ज़्यादा हो गया, हम मान लीजिए कुछ मूर्ति एक टाइप बना रहे हैं, ठीक, मूर्ति जब हम बनाना शुरू किए बहुत गीला हो जाएगा तो वो सही से बनेगा नहीं, हमारा उसमें पानी कम हो जाएगा, सूखा हो जाएगा तो भी नहीं बनेगा, ठीक। लेकिन 1% ऑफ वाटर ऐसा होगा जिस पे जो हमारा पेस्ट बनेगा एकदम सुघट बनेगा, मतलब उसको अपने अनुसार किसी भी आकृति में बहुत ही आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ढाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा सुघट अवस्था आप लोग को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह कृत्रिम परंतु महत्वपूर्ण निर्माण पदार्थ है। ब्रिक हमारा कृत्रिम आर्टिफिशियल है, नेचुरल मटेरियल नहीं है, हम मानव द्वारा बनाया जाता है, ठीक, इसलिए ये कृत्रिम है, लेकिन एक महत्वपूर्ण निर्माण पदार्थ है जिसका उपयोग भवन निर्माण के लिए किया जाता है। देखो जो हमारा ब्रिक है वो कृत्रिम पदार्थ है लेकिन बहुत ही उपयोगी निर्माण पदार्थ है। इसका हम उपयोग बिल्डिंग में करते हैं, रोड जब बनाते हैं वहाँ पे भी इसका उपयोग आप लोग देखेंगे कि रोड के साइड में कर्व लगा रहता है, ईंटे की एक बाउंड्री टाइप भी रहती है, वहाँ करते हैं रिटेनिंग वॉल बनाएंगे तो वहाँ कर लेंगे, स्लैब बनाते हैं तो करते हैं, माने इस ईंट हम अपने सिविल निर्माण में मैक्सिमम यूज करते हैं, मैक्सिमम जगहों पर, बीम ब्रिज बन रहा वहाँ पे होगा, कहीं डैम बना होगा तो वहाँ पे होगा, ठीक, कहीं ना कहीं किसी भी स्ट्रक्चर में इसका कहीं ना कहीं उपयोग हम करते ही करते हैं, ठीक, इसलिए बहुत ही हमारा निर्माण जो ये है उपयोगी निर्माण पदार्थ है। ठीक, ईंट पर्याप्त दृढ़ कठोर सामर्थ्यवान बनाना तथा टिकाऊ होना चाहिए, जो हमारा ईंट हो वो दृढ़ हो, कठोर हो तथा सामर्थ्यवान होना चाहिए। इसका विशेष गुण है कि ये माप तथा भार में सुहस्त होती है। इसका सबसे विशेष गुण ये है कि ये एक क्या कहते हैं फिक्स माप में होती है, बनाने के लिए इसको किसी भी आकृति में बना सकते हैं, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड ने कुछ माप हमको सुझाए हैं, उस माप के अनुसार हम क्या करते हैं अपने ब्रिक को बनाते हैं। और दूसरा इसका भार कम होता है, ठीक, इसको हम आसानी से उठा के एक जगह से दूसरी जगह
ले जा सकते हैं। ठीक, जिस कारण चिनाई कार्य सुगमता तथा शीघ्रता से संपन्न की जा सकती है। देखिए, इसकी साइज डिफिनिट होती है, इसका वेट कम होता है, इसको हम उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत आसानी से ले जा सकते हैं, इसलिए ईंट पे कार्य करना आसान होगा। चाहे हम चिनाई का मशीनरी का काम कर रहे हो तो उस पे काम करना आसान होगा, ठीक है ना, इसलिए हम ईंट का उपयोग ज़्यादा करते हैं। ईंट का उपयोग दीवार, फर्श, छत के अतिरिक्त सड़क, पुल, चिमनी तथा अन्य बहुत से कार्यों के लिए किया जाता है। अब देखिए, मैंने आपको ये चीज़ बताया था ही कि ईंट का हम उपयोग सिर्फ घर बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम इसका क्या करते हैं, सड़क पे करते हैं, पुल में करते हैं, चिमनी में करते हैं, डैम में करते हैं, ब्रिज में करते हैं, कई जगहों पे इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो यही आपका ब्रिक का क्या है, प्रॉपर डिफिनीशन है। क्या डिफिनीशन है कि ईंट हमारा एक समान माप का घनाकार खंड होता है जिसको उपयुक्त प्रकार की मृत्तिका को सुघट अवस्था में सांचे में डालकर धूप में सुखा कर तथा आग में पका कर बनाया जाता है। यह हमारा कृत्रिम निर्माण पदार्थ है, इसका उपयोग हम बहुतायत मात्रा में करते हैं। इसका उपयोग हम सिर्फ दीवार बनाने के लिए नहीं, अन्य स्थानों पर भी इसका हम उपयोग करते हैं। ठीक, ये आप डिफिनीशन ये हो गया कि ब्रिक को कैसे हम डिफाइन करेंगे, ये ब्रिक का एक डिफिनीशन हो गया। ठीक, अब हमारे कुछ ब्रिक के साइज होते हैं। ठीक, वो ब्रिक के साइज के बारे में हम जानते हैं। देखिए, पहला साइज है मॉड्यूलर या स्टैंडर्ड साइज। ठीक, मॉड्यूलर या स्टैंडर्ड साइज, ये क्या साइज होता है, 19 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारा मॉड्यूलर साइज है। नेक्स्ट हमारा ये नॉमिनल, नॉर्मल यहाँ लिख गया है, नॉमिनल होता है ये, या नॉर्मल लिख गया है। नॉमिनल साइज क्या होता है, 20 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर। देखिए, मॉड्यूलर और स्टैंडर्ड, सॉरी, मॉड्यूलर और नॉमिनल में अंतर क्या है। इंडियन स्टैंडर्ड ने पहले हमको साइज बताया है मॉड्यूलर साइज, जो है 19 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर। ठीक, और दूसरा हमको बताया नॉमिनल साइज। देखिए, अब इन दोनों में अंतर क्या है, देखिए 1 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। ठीक, माना यह गया इंडियन स्टैंडर्ड के मुताबिक कि जब हम ब्रिक की चिनाई करेंगे तो ब्रिक की चिनाई करने पे उस पर मसाला लगाएंगे, मोर्टार लगाएंगे, वो मोर्टार लगाने पे आधा आधा सेंटीमीटर दोनों तरफ बढ़ेगा। ठीक, ये हमारी पहले 19 थी, ये हमारी क्या है, 19 है। मोर्टार लगाया तो आधा सेंटीमीटर इधर और आधा सेंटीमीटर इधर बढ़ गया, तो आधा आधा बढ़ गया, कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, यानी ये कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। समझ में आया, नहीं समझ में आया तो एक बार और रिपीट करते हैं। जगह की कमी है लेकिन ट्राई करते हैं, देखते हैं कहाँ जगह है। चलो यही बताएंगे 25 सेकंड। जैसे मान लीजिए ये आपका, ये हमारा क्या है, ब्रिक है। ब्रिक की ये डायमेंशन कितनी है, 19 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमने क्या किया, इस ब्रिक के चारों तरफ मोर्टार लगाया, ये हमने क्या किया, मोर्टार ऐसे लगाया। ठीक, और नेक्स्ट ब्रिक यहाँ पे ये लगा दी, हमने क्या की, नेक्स्ट ब्रिक लगा दी। अब इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है, जब नेक्स्ट ब्रिक लगा दी तब ये देखिए आधा सेंटीमीटर ये इधर बढ़ा पर आधा सेंटीमीटर ये यहाँ पे बढ़ा। हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 19 + 1 सेंटीमीटर ये कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। ठीक, समझ में आया, ये 19 कैसे 20 हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम मोटार कहाँ लगा दे रहे हैं, यहाँ लगाए हैं। ठीक, ये हमारा मोटार लगा और यहाँ पे ये लगा, इसी तरीके से यहाँ पे ईटा
यहाँ भी ईंटा रखा हुआ है और यहाँ पे ईंटा रखा हुआ है। अब ये बीच का हमारा कितना है, 9 सेंटीमीटर, लेकिन आधा सेंटीमीटर इधर बड़ा और आधा सेंटीमीटर इधर बड़ा, ये बढ़ के कितना हमारा हो गया, 10 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ये हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाता है। ठीक, आई होप यू आर अंडरस्टैंड, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे 19 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर हो गया, 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो गया, और 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर हो गया। कैसे हो गया, क्योंकि हम क्या करते हैं कि 19 के साइड से आपको मसाला लगाते हैं तो 1 सेंटीमीटर वो बढ़ जाता है, तो हम उस मसाले को भी काउंट करेंगे। क्योंकि जब हम नंबर ऑफ ब्रिक निकालते हैं, एस्टिमेटिंग करते हैं, तो जब नंबर ऑफ ब्रिक निकालते हैं तो हम 20 वाला साइज लेते हैं, ना कि 19 वाला साइज लेते हैं। ठीक है ना, 20 वाला साइज इसलिए लेके चलते हैं कि मान लीजिए हमने 19 वाला साइज लेके चल दिया, अब हमको उसमें क्या करना है, मसाला भी लगाना है। मसाला लगाएंगे तो ब्रिक हमारी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ ब्रिक इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं उस मसाले के वॉल्यूम को या एरिया को या जो भी है डायमेंशन है उसको हम ब्रिक में ही कंसिडर कर लेते हैं। जब वो ब्रिक में कंसिडर करते हैं तो वो ब्रिक की साइज क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। ठीक, तो यहाँ तक कि आपको समझ में आया होगा कि नॉमिनल और मॉड्यूलर साइज में अंतर क्या है। नेक्स्ट आते हैं हम ट्रेडिशनल साइज। ट्रेडिशनल साइज क्या होता है, 22.8 सेंटीमीटर × 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। देखिए हर देश का अपना ट्रेडिशनल साइज होता है। ठीक, इंडियन स्टैंडर्ड ने ये साइज सुझाया 22.8 × 11.4 × 7.6, कहीं कहीं भी ये 23 सेंटीमीटर भी लिखा हुआ है। यही आप अमेरिका जाएंगे, अदर कंट्रीज जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो वो अपने हिसाब से इन्होंने ट्रेडिशनल साइज फिक्स किया हुआ है। लेकिन इंडिया का जो ट्रेडिशनल साइज है वो ट्रेडिशनल साइज हमारा ये है। आप ब्रिक का डायमेंशन कभी मेजर करिएगा, आपके घर जो होगा वो आपका इसी के बीच में होता है। अब जैसे मैंने बोला 22.8, तो जरूरी नहीं भैया 22.8 होगा, क्योंकि उस ब्रिक को हम पाथने के बाद से भट्टे में सुखाते हैं। जब भट्टे में सुखाते हैं तो उसके टेम्परेचर इंक्रीज भी करता है और डिक्रीज भी कर जाता है। ठीक, तो उस चीज़ को हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो रहता है, जो हम पथाई पथाई करते हैं, मोल्डिंग करते हैं, वो साइज हमारी यही होती है। ठीक, अब इसी के अप्रोक्सीमेट में होगा। देखिए आपका रेंज हम बता दे रहे हैं, 2.5 से 2.23.5 के बीच में आपका ये वाला डायमेंशन होगा। इसी तरीके से 11.4 वाला आपका 11 से लेके 11.76 होता है, 7.6 वाला होगा 7 से लेके 8 के बीच में होगा। अब इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ठीक, क्योंकि बहुत एक्सपेंशन या वो होगा उसके साइज में, तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक ना, तो इसीलिए जो इंडियन स्टैंडर्ड ने सजाया वो 22.87 सेंटीमीटर × 11.4 सेंटीमीटर × 7.6 सेंटीमीटर। अब सवाल उठना चाहिए, सर ब्रिक हमको जो मिलती है मार्केट में वो ये साइज मिलती है, तो ये तो साइज का हमको क्या जरूरत पड़ा। तो इन दो साइज का उपयोग हम करते हैं डिजाइन में और एस्टिमेटिंग में, डिजाइन में और एस्टिमेटिंग में। ठीक, अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करिएगा, वॉल्यूम लगभग बराबर हो, खासकर इसको और इसको। ठीक, जब नॉमिनल और ट्रेडिशनल मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम अप्रोक्सीमेट इसका इक्वल होगा। ठीक, हम नॉमिनल साइज इसलिए लेके चलते हैं, देखिए कोई हमको कैलकुलेशन करना रहेगा तो 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर इजी पड़ेगा कि 23 × 11.4 × 7.6 इजी पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि हमको नॉमिनल इजी पड़ेगा, इसीलिए हम नॉमिनल का लेके डिजाइन करते हैं, एस्टिमेटिंग करते हैं, ताकि हमको मल्टीप्लाई करने में या सॉल्व करने में या डिजाइन करने में हमको इजली इजी हो। लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, बराबर होता है, तो उसमें कोई डिफरेंस हमारा नहीं आता है। चाहे वॉल्यूम ले लीजिए, चाहे एरिया ले लीजिए, ये चीज़ हमारा लगभग अप्रोक्सीमेट बराबर आएगा। जब वॉल्यूम बराबर आएगा, एरिया बराबर आएगा, तो इसकी जो भी प्रॉपर्टी होंगी वो भी लगभग बराबर ही होंगे। ठीक, तो इसीलिए हम डिज़ाइन पर्पस के लिए मॉड्यूलर और नॉमिनल साइज यूज करते हैं, और कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए ट्रेडिशनल साइज का यूज हम करते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा था ब्रिक
के बारे, डिफिनेशन ऑफ ब्रिक की साइज के बारे में। ठीक, कोई समस्या तो इसमें आप लोग को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि ब्रिक को बहुत अच्छे से डिफाइन करना, उसकी डिफिनेशन को बताना, उसकी साइज को बताना, कौन सी साइज को हम कहाँ यूज करते हैं, क्यों हम नॉमिनल का यूज हम एस्टिमेटिंग डिजाइन में करते हैं, क्यों ट्रेडिशनल का यूज हम क्या कहते हैं बना कंस्ट्रक्शन में करते हैं। एक बार क्विक रिवीजन टाइप में करा देते हैं आप लोग का। ईंट को डिफाइन करना तो कैसे करेंगे, ईंट का डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, ईंट समान माप के घनाकार खंड का होता है जिसे उपयुक्त प्रकार की मृदा को सुघट अवस्था में साचे में डालकर धूप में सुखा कर तथा आग में पका कर बनाया जाता है। यह कृत्रिम पदार्थ होता है, ठीक, जिसको हम चिनाई के अलावा अन्य कार्यों में भी इसका हम क्या करते हैं उपयोग करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्माण पदार्थ है। ठीक, अब इसके इंडियन स्टैंडर्ड ने कुछ साइज सुझाव दिए हैं। मॉड्यूलर साइज होता है 19 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर × 9 सेंटीमीटर। नॉमिनल साइज होता है 20 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर। ट्रेडिशनल साइज होता है 22.8 सेंटीमीटर × 11.4 सेंटीमीटर × 7.6 सेंटीमीटर। ठीक, ये हमारे क्या हो गए, साइज हो गए। देखिए, अब हम मैंने अभी आपको बताया कि नॉमिनल साइज का हम उपयोग करते हैं डिजाइन और एस्टिमेटिंग वर्क के लिए, और ट्रेडिशनल साइज का उपयोग करते हैं हम अपने कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। क्यों हम नॉमिनल साइज का यूज करते हैं डिजाइन के लिए, क्योंकि हमको मल्टीप्लाई करने में इजी रहेगा। 20 × 10 × 10 सेंटीमीटर कैलकुलेशन पर्पज से ये इजी पड़ेगा। ठीक, अब कर रहे हैं हम नॉमिनल का यूज लगा रहे हैं ट्रेडिशनल का यूज, तो जब आप तीनों का वॉल्यूम या एरिया निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेट इक्वल आएगा। ठीक, तो इसीलिए हम दोनों में से किसी को भी लेके कर सकते हैं। हम क्यों ना ऐसा लेके चले जो हमको ईजी पड़े कैलकुलेशन में, तो इसलिए हम इजी वाला कैलकुलेशन के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए ट्रेडिशनल जो हमको इंडियन स्टैंडर्ड ने सुझाया है हम उसका उपयोग करते हैं। ठीक, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। हाँ, एक चीज और यहाँ पे देख लीजिए कि मोल्ड का साइज क्या होता है, साइज ऑफ मोल्ड। मोल्ड का साइज आपका होता है 21 सेंटीमीटर × 11 सेंटीमीटर × 11 सेंटीमीटर। सॉरी, 21 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर। इसमें भी हम क्या करते हैं, एक एक सेंटीमीटर इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि देखिए जब हम ब्रिक को क्या करते हैं भट्टे में पकाते हैं, तो जब भट्टे में पकाते हैं तो उसकी वॉल्यूम क्या करेगी, क्या करेगी भैया, कम होगी, क्योंकि उसमें क्या है वाटर भी है, वो वाटर इवोपरेट होगा, वो श्रिंक करेगा, सिकुड़ेगा टेम्परेचर बढ़ने पे। ठीक, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी। इसलिए मोल्ड की साइज क्या होती है, 21 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर होती है। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। ईंट की पत्थरों पर वरीयता, ईंट की पत्थर पर वरीयता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ईंट का हम पत्थर पर वरीयता कैसे करते हैं। ठीक, तो ईंट हमारा समान आकार के माप में ढाली जा सकती है, जबकि पत्थर खंड का कोई माप नहीं होता है। देखिए, इस चीज़ को बताने से पहले हम आपको एक चीज़ और बता दें कि क्या 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 डायमेंशन होता है फिगर बना के। ठीक, यही बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा स्पेस है।
फ्रॉग का डायमेंशन हमारा होता है 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। फ्रॉग अभी हम आपको दिखाए थे, एक बार और कोशिश करते हैं दिखाने के, बस टॉप भी बना रहे हैं। ये हमारा फ्रॉग होता है जिसमें नाम लिखा रहता है। फ्रॉग का काम ये होता है कि फ्रॉग दो ईंटों के बीच में बॉन्ड बनाने का की का काम करता है। चाबी, चाबी का काम क्या होता है, ताले को बंद करने का, बांधने का। वही काम हमारा इसमें फ्रॉग का होता है कि दो ईंट के बीच में बॉन्ड बनाने का, उन दोनों ईंट को जकड़ने का काम हमारा ये फ्रॉग करता है। हिंदी में इसको हम बिल्ला कहते हैं और इंग्लिश में इसको फ्रॉग कहते हैं। फ्रॉग की साइज होती है 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। किस बुक किसी किसी बुक में 2 सेंटीमीटर है, कहीं कहीं 1 सेंटीमीटर है। तो नॉर्मली डिफरेंट अगर कोई पूछे तो 10 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर हमारा फ्रॉक की साइज होती है। अब आते हैं ईंट की पत्थरों पर वरीयता। ठीक, तो ईंट हमारा समान आकार के माप में ढाली जा सकती है जबकि पत्थर खंड का कोई माप नहीं होता। देखो, ईंट हमारा कृत्रिम पदार्थ है, ईंट को हम सामान्य आकार माप है, हमको जिस शेप जिस साइज का चाहिए हम अपने अकॉर्डिंग उसकी क्या कर सकते हैं, मोल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन पत्थर के खंडों का हम क्या करते हैं, मोल्डिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पत्थर खंड को काट के उसको एक निर्धारित शेप साइज देना बहुत ही मुश्किल होता है। तो वो पत्थर हमको जिस शेप जिस साइज में मिलता है उसकी उसी शेप साइज में हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर हम उसकी निर्धारित शेप साइज दे के यूज करेंगे तो वो पत्थर हमारा बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, ठीक ना। तो और उसकी क्या कहते हैं, शेप और साइज देना बहुत ही मुश्किल होगा, ठीक, एज कम्पेयर टू ब्रिक। क्योंकि हम उसके लिए एक फैक्ट्री बनाए, फैक्ट्री में ले जाएं, मशीन खरीद के लाएं, फिर उसकी ड्रेसिंग करें, सीजनिंग करें, फिर उसको हम क्या करेंगे, यूज में लाएंगे। तो पता चला कि पत्थर हमारा बहुत ही महंगा पड़ गया। इसीलिए जो पत्थर की चिनाई होती है ऐसा चिनाई होती है कि उसकी शेप और साइज फिक्स नहीं होती है, ठीक। वो जिस भी शेप में मिला उसको यूज कर लेते, जिस भी शेप का होना ट्रायंगुलर शेप नहीं, ठीक, अप्रोक्सीमेट रेक्टेंगुलर शेप हो लेकिन उसका साइज फिक्स नहीं हो। जैसे ब्रिक की साइज फिक्स हो गई है, रॉक की पत्थर की साइज फिक्स नहीं होती, स्टोन की साइज फिक्स नहीं होती है, ठीक। दूसरा, यह पत्थरों से हल्की होती है, ठीक, यह पत्थर से क्या होती है, वेट में हल्की होती है। अभी मैंने बताया था कि पत्थर को हल्का होने और निर्धारित शेप होने की वजह से चिनाई कार्य में आसानी होती है, मतलब उसको हम आसानी से उठा के दूसरे स्थान पे लेते गए, फिर उसकी चिनाई करने के लिए हमको बहुत ही इजीली क्या किया, उठा के उसको रख के उस पर चिनाई कार्य संपन्न कर पा रहे हैं। लेकिन पत्थर क्या होता है, एक तो इसकी शेप साइज फिक्स नहीं होती है, उसके बाद से ये भारी होता है, इसको उठा के ले जाना ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल हो गया, फिर उसको ले गए चिनाई करने के लिए, जो मजदूर है वो उसको उठाएगा रखेगा फिर चिनाई करेगा फिर अगला उठाएगा, तो उसमें जो वर्क की इफिशियंसी होती है वो कम हो जाती है, ठीक। जो काम हम स्टोन सॉरी ब्रिक से तेजी से कर पा रहे हैं वो काम हम स्टोन से धीमे करेंगे, ठीक। तो दो पॉइंट हो गए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, ईंट चिनाई में चाल बड़ी सरलता से स्थापित की जाती है। जब हम चिनाई मशीनरी का काम करते हैं तो जो बॉन्ड को हम बहुत सरलता से स्थापित कर पाते हैं। दो ब्रिक के बीच में जो बॉन्डिंग का काम करते हैं वो बहुत ही इजीली कर पाते हैं, लेकिन एज कंपेयर टू स्टोन, स्टोन भारी है, उसको उठा के रखना, उसको हिलाना डुलाना काफ़ी कठिन पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी इसमें हमारी दिक्कत आती है। ईंट से न्यूनतम मोटाई की दीवार 10 सेंटीमीटर भी बनाई जा सकती है जबकि पत्थर की दीवार 35 सेंटीमीटर से कम नहीं बनती। देखो, ईंट की मिनिमम साइज क्या है, 10 सेंटीमीटर है, इसलिए हम एक ईंट की दीवार मतलब 10 सेंटीमीटर की दीवार बहुत आसानी से बना पाते हैं। लेकिन हमारा पत्थर की दीवार क्या है, पत्थर हमारा निर्धारित शेप होता नहीं है, बहुत मोटा हो जाता है, जिसकी वजह से उसे न्यूनतम हम 35 सेंटीमीटर की दीवार मोटाई की दीवार ही हम बना पाते हैं, जिसको बनाने में भी हमको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट है, ईंट की दीवार में कम समय लगता है, ठीक,
ईंट की दीवार बनाने में कम समय लगता है क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन इजी है, इस पे वर्क करना इजी है, इस पे वर्क करना इजी, इस पे जो मशीन है हमारा श्रमिक है वो बहुत आसानी से कार्य कर सकता है, इसलिए इस पे कम समय लगता है। ठीक, छठवा, पहाड़ी क्षेत्र को छोड़कर अन्य स्थानों पे ईंट पत्थर से सस्ती पड़ती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है हमारे भैया एक सिविल इंजीनियर के लिए, ठीक है ना, कि पहाड़ी क्षेत्रों को हम छोड़ दें तो अन्य स्थानों पे पत्थर हमारे बहुत ही महंगे मिलते हैं और ईंट हमारी सस्ती मिलती है। हम अपने ही क्षेत्र का एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे एरिया में क्या है, ब्रिक बनाई जाती है, मिट्टी पर्याप्त मात्रा में है, तो हमारे क्षेत्र में क्या है, ईंट सस्ता पड़ेगा, लेकिन पत्थर क्या है, अन्य राज्यों से, हमारे प्रदेश में नहीं, अन्य राज्यों से क्या किया जाता है, पत्थर को लाया जाता है, वहाँ से तोड़ा गया, उसकी ड्रेसिंग की गई, उसकी सीजनिंग की गई, फिर उस पत्थर को हम वहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करके लाया गया, दुकान में रखा गया, तो उसका क्या होता है, कॉस्ट हाई हो जाता है। ठीक, तो वो हमको क्या हो जाता है, महंगा पड़ जाता है, इसीलिए हम पहाड़ी क्षेत्रों में वो सस्ता पड़ता है, वहाँ पे ब्रिक महंगी पड़ती है, तो वैसे जगहों पे हम ब्रिक का उपयोग ना करके पत्थर का उपयोग करते हैं, लेकिन हमारे एरिया में पत्थर महंगा पड़ता है और ब्रिक सस्ता पड़ता है, इसलिए हम अपने क्षेत्रों में ब्रिक का उपयोग करते हैं। ठीक, तो ये कुछ पॉइंट थे कि ईंट को पत्थर पे वरीयता हम क्यों देते हैं, क्या कारण है कि हम ब्रिक का उपयोग करते हैं पत्थर के जगह पर चिनाई में। ठीक, तो ये हमारा आज का था वीडियो, इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिक, ब्रिक का डिफिनेशन, ब्रिक की साइज और ब्रिक का पत्थर पे वरीयता। ठीक, तो आई होप आप लोग को इस वीडियो से सारे ये जो भी डाउट्स होंगे आपको क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।